सो हाय फ्रेंड, आई एम शुभ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आई एम SR7 गेमिंग। सो फ्रेंड, मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया पोकेमोन यूनाइट से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, सीजन 18 से रिलेटेड काफी सारी भाई ह्यूज अपडेट्स आई है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो भाई लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और अगर भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और आज का लाइक एम रखते हैं भाई 50 लाइक्स का, तो करवा देना भाई लोग। तो चलो चलते हैं भाई अपने अपडेट्स की तरफ। तो अपना पहला अपडेट है भाई EX लाइसेंस से रिलेटेड। तो जो 18 सीजन है अपना, उसके अंदर आप EX लाइसेंस को जी भर के यूज कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। चाहे आप मास्टर 1200 पे हो या 2000 पे हो, आप आराम से भाई EX लाइसेंस यूज कर पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन म्यूट और जैशन को भाई भर भर के यूज करने वाला है सीजन 18 में। तो अब बात करते हैं सेकंड अपडेट की। तो आपको शाइनी रेकोजा देखने को मिलेगा मैप के अंदर, और ये मिलेगा आपको 12 मार्च तक। तो 12 मार्च तक आपको मैप के अंदर भाई शाइनी रेकोजा देखने को मिलेगा। तो आप लोग बताना आपको भाई शाइनी रेकोजा कैसा लगा। पब्लिक टेस्ट सर्वर में ऑलरेडी ये आ चुका है। तो फ्रेंड, तीसरा अपडेट ये है कि ड्राफ्ट पिक मोड आपको रैंक मैच के अंदर देखने को मिलेगा सीजन 18 के अंदर, और अगर आप मास्टर 1400 हो तो उसी के बाद आप ये ड्राफ्ट पिक मोड खेल पाओगे। बट जहां तक मुझे लग रहा है, आप भाई ड्राफ्ट पिक मोड को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप 5 मैन होंगे और सबका भाई 1400 से ऊपर रैंक होगा, तो भाई आपको जहां तक ये ड्राफ्ट पिक लगने के ज्यादा चांसेस लगेंगे, मतलब ये रैंडमली लगेगा। तो अगर आप 5 मैन खेलोगे तो ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि जब 5 मैन खेलते हो तो सामने भी 5 मैन ही आते हैं, और अगर आप सबकी 1400 प्लस है तो बहुत ज्यादा चांसेस है सामने भी जो टीम आएगी वो 1400 प्लस होगी। तो उसी में आपको जहां तक ड्राफ्ट पिक देखने को मिलेगा। अगर आप सोलो खेलते हो तो काफी ज्यादा चांसेस कम है, क्योंकि सोलो में आपको पता ही है अलग अलग रैंक के बंदे आते हैं, क्या पता कोई मास्टर 1200 का हो, कोई अल्ट्रा। तो सोलो में तो भाई जो ड्राफ्ट पिक के लगने के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है, बाकी आने के बाद ही पता चलेगा भाई कैसा रहता है। तो अब बात करते हैं भाई अपडेट नंबर 4 के बारे में। तो जो अपडेट नंबर 4 है वो भी भाई ड्राफ्ट पिक मोड से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपको पता होगा, ड्राफ्ट पिक में भाई 2 ही पोकेमोन बैन होते हैं, बट ये वाला ड्राफ्ट पिक थोड़ा सा अलग है। इसमें भाई टोटल 4 पोकेमोन बैन होंगे, 2 आपके टीम के बंदे बैन करेंगे और 2 सामने वाली टीम के बंदे बैन करेंगे। तो भाई टोटल 4 पोकेमोन बैन होंगे। और भाई ये जो बैन का सिस्टम है, ये मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे होगा। जो आपका 4th और 5th पोजीशन पे बंदे बैठे होंगे ना, वही बस पोकेमोन बैन कर सकते हैं। बाकी पहले दूसरे तीसरी पोजीशन पे जो बंदे हैं वो बस सजेस्ट कर सकते हैं भाई ये वाला पोकेमोन बैन करो, बट जो अल्टीमेटली जो बैन करेंगे पोकेमोन वो 4th और 5th पोजीशन वाले होंगे। तो जो 4th वाला बंदा होगा वो 1 पोकेमोन बैन करेगा, और जो 5th वाला बंदा होगा वो दूसरा पोकेमोन बैन करेगा। तो अब से भाई 4 पोकेमोन बैन होंगे भाई टोटल में। तो अगर आपका ड्राफ्ट पिक मोड लगता है रैंक मैच के अंदर, तो आपको मैक्सिमम 4 पोकेमोन बैन होते दिखाई देंगे। तो आपको ये कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं अपने 5th अपडेट के बारे में। तो भाई मिराइडोन से रिलेटेड एक इवेंट आपको 27 फरवरी को देखने को मिल सकता है, और जहाँ तक भाई इसमें आपको मिराइडोन फ्री में देखने को मिलेगा। और अगर आप नोटिस करोगे तो हमें जैशन और म्यूटो भी फ्री में देखने को मिले ही थे, तो सेम वैसे ही भाई मिराइडोन भी अपने को फ्री में मिलेगा। तो काफी सारे लोग मुझसे पूछे थे मिराइडोन भाई करे ना करे, तो भाई फ्री में है भाई, तो मिराइडोन को भाई फ्री में निकालने का ट्राई करना। वैसे भी इवेंट काफी लंबा चलने वाला है भाई, 16 अप्रैल तक ये इवेंट चलेगा, तो ट्राई करना भाई कि फ्री में निकाल लो। तो अपना जो 6th अपडेट है वो है भाई बैटल पास से रिलेटेड। तो भाई जो म्यूज क्राटा का बैटल पास है वो आ चुका है, मतलब अभी सीजन 18 में आएगा, और वो भाई कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसे कि आप म्यूज क्राटा का स्किन देख सकते हो भाई, म्यूज क्राटा का स्किन तो ओपी है भाई, मजे ही आ गया देख के। बट मेरे को जोरोआग का स्किन कुछ ज्यादा खास लगा नहीं। आप लोग बताना भाई आपको म्यूज क्राटा का स्किन कैसा लगा, और भाई कमेंट सेक्शन में 10 में से भाई से रेट करना। मैं 10 में से 9 करता हूँ, मेरे को ये काफी अच्छा लगा, इसके इफेक्ट्स भी बढ़िया है। बट जो भाई अपना जो जोरवार के मेरे को कुछ अजीब सा ही लगा भाई, इसे पजामा बना दिया कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब पता नहीं। तो जोरवाग तो मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। और फ्रेंड, इसके आउटफिट फ्रेम बैकग्राउंड ठीक ठाक है, और आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसे बाय करोगे नहीं करोगे ये भी जरूर बताना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।